हेलो फूडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मेथी पराठे की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बनकर रेडी भी हो जाती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने मेथी लिया है और इसको अच्छे से धोकर बारीक कट कर लेंगे। सबसे पहले 2 कटोरी आटा लेंगे और उसके बाद 1 टेबल स्पून या स्वाद अनुसार नमक, फिर 1 टेबल स्पून देसी घी। घी नहीं यूज़ करना चाहती या नहीं है आपके पास तो आप रिफाइन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद 1 टेबल स्पून अजवाइन, अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून कलौंजी, कलौंजी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मेथी के पत्ते, जिसको हमने बारीक अच्छे से कट कर लिया है। याद रखिए, इसमें बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर यहाँ पे हमने डाला है गुनगुना पानी और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और एक डो रेडी कर लेंगे, सॉफ्ट सा डो। यहाँ पे हमने गुनगुना पानी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसे क्या होगा, जो पराठे हमारे बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। गुनगुना यानी लिक्वॉर्म, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालना है इसमें। तो इसका एक अच्छा सा आटा लगा लेंगे, एकदम सॉफ्ट सा। जितना आप सॉफ्ट लगाइएगा उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। यहाँ पे हमारा आटा रेडी हो चुका है, इसे बस 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें से 1 लोई ले लेंगे। इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा लेंगे और आटा लगा के लोई में और अच्छे तरीके से बेल लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बेलते हैं तो जो आटा है वो चिपक सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा आटा लगा के इसमें बेलें। इसे हम एक पतला एकदम रोटी की तरह बेल लेंगे और यहाँ पे हमने बेल लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, अगर किसी से गोल आप नहीं बेल पा रहे हैं तो देखिए इस तरीके से एक गोल बर्तन लीजिए और इसे एकदम प्रेस करके इस पे रख दीजिए। और उसके बाद जो साइड से है आटा बचे हुए उसको निकाल दीजिए इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे निकाल दिया है और ये एकदम गोल जैसा शेप आ गया है। तो अगर आपको गोल नहीं बेल पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कोई भी पराठा और रोटी के साथ। यहाँ हमने तवा को ऑलरेडी गर्म करके रखा था और उस पर यहाँ पे जो पराठा है वो डाल देंगे। एक तरह से जब थोड़ा सा सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे। और यहाँ पे हमने जो गैस को है वो मीडियम फ्लेम पे रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही पूरे पराठे को ऐसे ही सेक लेंगे। यहाँ पे हमने पलट दिया है, देखिए इस तरफ से भी थोड़ा सा सिक चुका है। अब हम इसमें तेल लगा के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से तेल लगा के अच्छे तरीके से प्रेस कर करके पलट के अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे तरीके से सिक जाती है और कच्ची भी नहीं रहती है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट सिक चुकी है, इसे थोड़ा सा प्रेस कर कर के सेक लेंगे ताकि क्या होगा कि अच्छे तरीके से सिक जाए और कच्चा भी ना रहे। तो यहाँ हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो झटपट बनकर रेडी हो गई। आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये अचार, चटनी किसी चीज़ के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले